नमस्कार, शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज बात करते हैं बिंदु त्राटक क्या होता है। जी, कैसे बिंदु त्राटक के साथ हमें अपने ध्यान को बढ़ाना चाहिए और क्यों बिंदु त्राटक इतना महत्वपूर्ण होता है ध्यान में कनेक्टिविटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं यूट्यूब पर और ये सभी अकेले मेरे लिए संभव नहीं था। आप सभी का मुझे प्यार, स्नेह, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स दिन रात मिलती है। आप मेरे काम को सराहना करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे उसके लिए अगर मैं एक छोटा सा शब्द बोलूँ थैंक यू तो शायद वो कम है। लेकिन कहते हैं खुशी को जाहिर करना ज़रूरी होता है, वो भी अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं इतना खुश हूँ आज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे मुझ पर बनाते रहें। मैं अपने काम को आप तक पहुँचाती रहूँगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो जानकारी मुझे मिलती है किसी मतलब कि जगह के बारे में, या फिर मेरा टेम्पल्स पर रिसर्च चल रहा है, जैसे मेरा मेडिटेशन पर भी रिसर्च चल रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर जो भी मेरे काम की खासियत है या जो मेरा कंसल्टेशन है, जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, वो मैं आपको धीरे धीरे यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुँचाऊँ, तो मैं वही करती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि बिंदु त्राटक क्या होता है, इसे क्यों करना ज़रूरी है। बिंदु त्राटक को कहते हैं कि एक बिंदु पर आपने फोकस करना है, लेकिन वो फोकस एक दिन में नहीं होता। बिंदु के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको कम से कम 15 दिन या फिर मैक्सिमम 20 दिन का अंतरकाल, यानी कि एक टाइम पीरियड बना के चलना पड़ता है। आप तभी बिंदु त्राटक पर अपनी उस विजय को प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु त्राटक कैसे करना है, आपने किसी भी पोजिशन पर बैठ जाना है और अपने वॉल के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनानी है। वॉल के साथ, मैं फिर से दोहरा रही हूँ इस शब्द को, अपने सेंटेंस को, कि हमने वॉल पर एक बिंदु को बना दिया और आपने उसको लगातार देखते रहना है। अगर आपको देखते हुए आपकी आंखों से पानी आता है या फिर आपका सर भारी हो जाता है, तो आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने फिर भी अपनी कनेक्टिविटी उस बिंदु के साथ बनानी है। धीरे धीरे आप देखेंगे एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में आपकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो बिंदु आपसे बातें करने लगेगा, आपको डाइवर्ट करेगा कि मुझे आप क्यों देख रहे हो, ऐसे क्या चाहिए आपको मुझसे। तो वही है कि ऐसी कनेक्टिविटी आपने उस बिंदु के साथ, उस डॉट के साथ बनानी है कि वो आपसे बातें करें। आपकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग उस बिंदु के साथ होनी चाहिए कि आपको उससे क्या पॉजिटिविटी मिली वो भी आपको पता चलना चाहिए। एक ऐसे ऑरा हमारे आसपास क्रिएट कर देता है बिंदु, एक ऐसा मतलब कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जब आप बिंदु त्राटक को करेंगे तो आप उसकी खासियत, उसकी जो एक रहस्यमय, एक ऐसा उसके अंदर से ऑरा निकलता है जो आप जब खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ज़रूर आप बिंदु त्राटक ट्राई कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि ध्यान को करने के लिए हमें किसी ना किसी के साथ अपनी कनेक्टिविटी ज़रूर बनानी है, फिर चाहे वो बिंदु हो, चाहे वो एक वॉल हो, चाहे किसी की भी प्रतिमा या फिर कोई कहते हैं कि इमेज क्यों ना हो, बट जब तक आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप मेडिटेशन या फिर त्राटक में उनकी जो खूबसूरती है, जो आगे कहते हैं कि एक लेसन मिलता है किसी भी टास्क को करने के बाद, वो आप तभी आपको मिलेगा जब आप उसको करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा यूट्यूब में। आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो बिंदु त्राटक से रिलेटेड या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं shantiwellness@gmail.com पर, और मैं YouTube पर आपके साथ ऐसे ही जुड़ती रहूँगी। मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें।
धन्यवाद।